उसने इंटरेस्टिंग पॉइंट था कि naukri.com से इसने अप्लाई करा था। इंटरव्यू ने बोला क्या क्या डेटा स्ट्रक्चर जानते हो तुम, इसने बोला मैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग थोड़ा कम अच्छे जानता हूँ, तो उसने बोला कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग तो मैं फिर पक्का पूछूंगा। फिर से राउंड वन में अगेन इसमें 28 एमसीक्यूज आए, वही रहा होगा डीबगिंग के क्वेश्चंस, रीजनिंग एबिलिटी के क्वेश्चंस और दो कोडिंग क्वेश्चन है। अब इसका नेक्स्ट राउंड हुआ सिस्टम डिजाइन पे, तो आई थिंक SD2 के लिए सिस्टम डिजाइन इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाय, मायसेल्फ पारेख हियर। सर, इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ बेस्ट स्ट्रेटजीज फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन फॉर Amazon, एंड उसको ना मैं रियल टाइम डेटा के थ्रू प्रूव करने वाला हूँ। मतलब आई विल बी डिस्कसिंग 5 इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस एंड उनके थ्रू पूरा एनालाइज करके निकालेंगे कि Amazon किन चीजों पे फोकस करती है, कौन से टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करती है ना। सो हमें पूरा समझ में आ जाएगा कि हमें Amazon जैसी कंपनी के लिए कैसे अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, वो राउंड वन में क्या पूछती है, राउंड टू में क्या पूछती है, राउंड थ्री में क्या होता है, ओवरऑल पूरी क्लैरिटी मिलने वाली है। और इसमें ना मैंने वैरायटी भी कंसिडर करी है, मतलब SD1 ऑफ कैंपस, SD1 ऑन कैंपस, इंटर्न ऑफ कैंपस, इंटर्न ऑन कैंपस, SD2 एक सीनियर रोल भी है, तो हर बंदे के लिए सारी वैरायटी कवर्ड है। तो मैं पूरा समझ में आने वाला है कि Amazon क्या क्या पूछती है, कैसे कैसे हम अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, सो स्टे टिल एंड ऑफ द वीडियो, तुम्हें पूरी अच्छे से समरी टाइप मिल जाएगी कि Amazon जैसी कंपनी के लिए कैसे तैयारी करें। और अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक एंड शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब अवर चैनल। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, एंड लेट मी शेयर द स्क्रीन विद यू। श्योर, सो बेसिकली यहाँ पर मैंने 5 इंटरव्यू एक्सपीरियंस निकाल रखे हैं। ये पहला इंटरव्यू एक्सपीरियंस है एंड दैट इज SD1 ऑन कैंपस, है ना। ये ऑन कैंपस के बारे में है, सारी वैरायटी आएगी स्टे टिल एंड द वीडियो। तो इसने क्या बोला, कैंपस में 7 CGPA एंड अबव वालों को अलाउ करा उसने। और मैंने ना यहाँ पर टिप्स और टॉपिक्स भी लिख रखे हैं, तो मैं कुछ कुछ टिप्स जो इंपॉर्टेंट हमें आउटकम मिलेगा वो यहाँ लिखता रहूंगा, और कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो लिखता रहूंगा। अब इसने बोला कि मेक योर रिज्यूमे शॉर्ट एंड ट्राई टू मेक इट अ वन पेज। आई थिंक दैट्स अ इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि रिज्यूमे जो बनाना चाहिए हमें वो वन पेज का बनाना चाहिए। ठीक है, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। श्योर, अब इसके इंटरव्यू प्रोसेस में चलते हैं। इसका राउंड वन हुआ, उसमें ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट हुआ जिसमें 2 प्रॉब्लम आई। ये दोनों प्रॉब्लम है, दिस इज अ टाइलिंग प्रॉब्लम एंड आई थिंक ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम आई है फर्स्ट राउंड में। सो आई थिंक वन थिंग इज क्लियर कि डीपी तो हमें अच्छे से करना ही पड़ेगा। ठीक है, फाइंड द kth कैरेक्टर ऑफ डिक्रिप्टेड स्ट्रिंग, तो ये स्ट्रिंग का क्वेश्चन है। आई थिंक अगर तुम देखोगे तो बेसिकली इलॉन्गेट करना होता है, A2, B2, C3, तो इलॉन्गेट करा है। तो आई थिंक स्ट्रिंग्स एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे Amazon फोकस करती है। ठीक है, राउंड टू हुआ, 50 मिनट का हुआ। ठीक है जी, अब उसमें उससे 2 क्वेश्चन पूछे गए। वन इज काउंट पॉजिटिव नेगेटिव पेयर्स, आई थिंक ये एरे का क्वेश्चन है, पेयर सम टाइप का क्वेश्चन है, हैश मैप के थ्रू होता है, तो हैश मैप इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक। सिमिलरली डिजाइन द लॉजिक फॉर मिनिमाइजिंग कैश फ्लो, तो मैंने डिस्कस भी करा हुआ है कि स्प्लिट वाइज टाइप की ऐप बनानी हो, कि हम एक दूसरे को पैसे देते रहते हैं, एक ने दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, तो कैश फ्लो मिनिमाइज हो सके। और ये मैंने डिस्कस करा था, ये ग्राफ्स के थ्रू होता है। अगर तुम देखोगे तो इसने पूरा इंटरव्यू में बताया है कि इसने ग्राफ के थ्रू पूरा हैंडल करा है। सो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अच्छे से ग्राफ पढ़ें। ठीक है, फिर इसके राउंड थ्री में क्या पूछा गया, इंटरव्यू ने बोला क्या क्या डेटा स्ट्रक्चर जानते हो तुम, इसने बोला मैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग थोड़ा कम अच्छे जानता हूं, तो उसने बोला कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग तो मैं फिर पक्का पूछूंगा। तो उसने 2 क्वेश्चन पूछे, एक जेनरिक ट्री, तो इट्स नॉट कि बाइनरी ट्री और BST इंपॉर्टेंट होता है, तो बाइनरी ट्री की एक नोड के 2 ही नोड्स है, जेनरिक ट्री में एक नोड के मल्टीपल चिल्ड्रन हो सकते हैं ना, तो बेसिकली जेनरिक ट्री इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, सो और ये कॉमन डिजिट लॉन्गेस्ट सीक्वेंस है, ये डीपी का ही क्वेश्चन है, तो टॉपिक हमें पता लग गया। ठीक है, Sure. फिर से राउंड 4 में क्या पूछा गया, इंटरव्यू आज मी इस टाइम इज कंफर्टेबल द इंटरव्यू प्रोसेस सो फार, ठीक है थोड़ा ध्यान रखती है, एंड हाउ द प्रोसेस प्रीवियस इंटरव्यूज वर। ठीक है, फिर उसने उसको बाइनरी ट्री का क्वेश्चन दिया और एक सॉर्ट 012 का क्वेश्चन दिया। बाइनरी ट्री के क्वेश्चन तो ठीक है, सॉर्ट 012 बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, डच नेशनल फ्लैग एल्गोरिथम के थ्रू होता है, सो उसको अच्छे से कर लेना चाहिए। फिर फिफ्थ राउंड में कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स पूछे गए, तो दैट इज इंपॉर्टेंट है ना। कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स में उससे क्या पूछा गया, उससे थ्रेड्स और प्रोसेसेस, डेडलॉक एंड इट्स प्रिवेंशन, तो OS के क्वेश्चंस पूछे गए, तो OS पढ़ना बहुत जरूरी है। ट्राई का डेटा स्ट्रक्चर पूछा गया, तो ट्राई का डेटा स्ट्रक्चर भी हम अच्छे से कर लेना चाहिए। एनाग्राम पेयर्स तो स्ट्रिंग का ही क्वेश्चन है। ठीक है, सो दिस इज हाउ ये इंटरव्यू गया SD1 ऑन कैंपस के लिए, है ना। और ये मैं सारे इंटरव्यूज के लिंक्स भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तुम वहां से देख सकते हो, तुम अच्छे से पढ़ाई भी कर सकते हो, एंड इंटरेस्टिंग पॉइंट इज इन प्रॉब्लम्स को तुम अटेंड भी कर सकते हो। तो दिस इज अवर कोड स्टूडियो प्लेटफॉर्म विच इज अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, वहां जाके तुम इन प्रॉब्लम्स को ट्राई भी कर सकते हो, ये रियल टाइम Amazon की इंटरव्यू प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंटरव्यू, दिस इज SD1 ऑफ कैंपस, है ना। इससे कुछ चीजें निकालते हैं हम, तो इसने कैसे अप्लाई करा, इसने naukri.com पे अप्लाई करा।
ठीक है जी। रिज्यूमे टिप ने क्या बोला, यू शुड हैव गुड प्रोजेक्ट्स टू शोकेस, तो हमारे पास गुड प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, दैट इज एन इंपॉर्टेंट टिप वी गॉट, ठीक है। कीप इट क्लीन एंड सिंपल, ठीक है ये तो ठीक है। फिर इसका ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट हुआ, अगेन इसके में दो प्रॉब्लम्स आए, टू सम प्रॉब्लम है, आई थिंक पेयर सम वाला क्वेश्चन है, सबने करा ही होगा। शॉर्टेस्ट पाथ इन अ बाइनरी मैट्रिक्स, ये अगेन BFS के थ्रू है, तो ग्राफ्स में जब तुम पढ़ोगे तो BFS वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो ठीक है ये हो गया। फिर उससे राउंड टू में क्या पूछा गया, द ड्यूरेशन वॉज अप्रॉक्स वन आवर, एक घंटे का इंटरव्यू चला, द इंटरव्यू वॉज टेकन बाय यंग SD2, ठीक है तो थोड़ा सा SD2 वालों ने लिया। और इससे दो क्वेश्चन पूछे गए, काउंट फ्रीक्वेंसी स्ट्रिंग का क्वेश्चन है, ठीक है हैश मैप के थ्रू करा था, एक ये फायर इन द सेल्स क्वेश्चन होता है, काफी कॉमन क्वेश्चन है, और ये BFS के थ्रू होता है, तो आई थिंक थोड़ा सा हम अलग से डिस्कस कर सकते हैं कि यार BFS के क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, है ना। फिर राउंड थ्री में क्या होगा, द इंटरव्यूअर इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एंड आस्क मी टू इंट्रोड्यूस माय सेल्फ, ठीक है, आई टोल्ड हिम अबाउट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। तो थोड़ा सा शुरू में अगर तुम देखो तो प्रोजेक्ट्स पे शोकेस करा गया, भाई तू पहले बता तूने क्या क्या किया है। फिर उसने बोला उसने AWS में काम कर रखा है, तो उसने पूरा AWS सर्विसेज के बारे में पूछ लिया, है ना। फिर उसने पूछ लिया इलास्टिक कंटेनर सर्विस कैसे चलता है, और उसके बाद उसने कोडिंग क्वेश्चंस में गया। पहला क्वेश्चन अगेन BFS से आ रहा है, तो बहुत सही है। सर्च फॉर द इंटीजर्स, अगेन इसने कुछ एरे का क्वेश्चन है, सॉर्टेड एरे का लग के कुछ बाइनरी सर्च वगैरह करा होगा, सो वो एक क्वेश्चन है, ठीक है ये हमें अच्छे से कर लेना चाहिए। अगेन फिर राउंड फोर में क्या हुआ, इंटरव्यूअर वाज अ वेरी सीनियर पर्सन, 10-15 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस वाले ने लिया। लीडरशिप प्रिंसिपल क्वेश्चंस पूछे गए, आई थिंक Amazon का ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा सा हमें लीडरशिप प्रिंसिपल्स पढ़ लेने चाहिए, दैट विल रियली हेल्प अस, लीडरशिप प्रिंसिपल्स ऑफ Amazon, ये ना मतलब स्टैंडर्ड तुम्हें मिल जाएगा, थोड़ा Amazon इन चीजों पर फोकस करती है कि तुम लीडरशिप प्रिंसिपल्स अगर पढ़ के आए हो तो कंपनी के बारे में थोड़ा सा उसकी लीडरशिप प्रिंसिपल्स पढ़ लो। बाइनरी ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। फिर फिफ्थ राउंड में क्या हुआ, द इंटरव्यू स्टार्टेड विद द इंट्रोडक्शन एंड सम लीडरशिप प्रिंसिपल क्वेश्चन, फिर से फिफ्थ राउंड में थोड़ा सा लीडरशिप प्रिंसिपल क्वेश्चन पूछे गए, फिर से इससे AWS की चीजें पूछी गई। तो देख लो शुरू में प्रोजेक्ट्स पे ही थोड़ा ज्यादा फोकस हो रहा है ना, ठीक है। फिर इसने बोला लीडरशिप प्रिंसिपल क्वेश्चन के लिए इसने अच्छे से प्रैक्टिस करी थी। फिर वो कोडिंग क्वेश्चन में गया, चेक इफ द वर्ड इज प्रेजेंट इन सेंटेंस और नॉट, ये हैश मैप का क्वेश्चन है, तो इसने हैश मैप के थ्रू करा, और LRU कैशे, ठीक है LRU कैशे तो बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है फॉर इंटरव्यूज, ये तो हमें कर ही लेना चाहिए, ठीक है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इसका पूरा अच्छे से हो गया, और इसने इंटरेस्टिंग पॉइंट था कि Naukri.com से इसने अप्लाई करा था, ठीक है। सो आई थिंक दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि Naukri.com हम यूज कर सकते हैं फॉर ऑफ कैंपस, ठीक है श्योर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट इंटरव्यू में, दिस इज ऑन कैंपस इंटर्न, दिस इज ऑन कैंपस इंटर्न, अगेन अबव 7 CGPA पूछा गया है, तो CGPA थोड़ा सा फोकस हो रहा है, तो अगर 7 CGPA एंड अबव कर लोगे तो दैट विल रियली है ना, दैट विल रियली है। फिर से राउंड वन में क्या पूछा गया, अच्छा इनका थोड़ा ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट में क्या हुआ, 7 डीबगिंग प्रॉब्लम्स आई, रीजनिंग एबिलिटी के क्वेश्चंस आए, कोडिंग के क्वेश्चंस भी आए, तो थोड़ा सा आई थिंक दिस इज इंपॉर्टेंट कि हम लिख लें यार डीबगिंग, मतलब जैसे C++ में कुछ कोड गलत है तो डीबगिंग के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए थोड़ी सी हमें, और उसके बाद हमें रीजनिंग एबिलिटी थोड़ी सी पढ़ लेनी चाहिए, श्योर। ठीक है रीजनिंग एबिलिटी पढ़ लेंगे, और कोडिंग के क्वेश्चंस आए हैं तो सही है। फिर इसे सर्च इन रो वाइज एंड कॉलम वाइज सॉर्टेड मैट्रिक्स, ये बाइनरी सर्च का क्वेश्चन है ना, मतलब हो जाता है बाइनरी सर्च से। क्लोन लिंक्ड लिस्ट विद अ रैंडम पॉइंटर, तो लिंक्ड लिस्ट भी पूछा जा रहा है, आई थिंक वी शुड प्रिपेयर दैट, ठीक है। फिर इसे राउंड टू में क्या हुआ कि 150 कैंडिडेट्स में से 30 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए, इसने बोला, इसने पहला क्वेश्चन इसका 2D एरे का आया, तो एरेज की जगह 2D एरे के क्वेश्चन भी अगर तुम देखो बहुत सारे आ रहे हैं, तो 2D एरे के क्वेश्चन हमें अच्छे से कर लेने चाहिए। कंस्ट्रक्ट अ स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री, अगेन एक बाइनरी ट्री का क्वेश्चन है। इंटर्नशिप में 3 ही राउंड हो, अगर तुम देखो फुल टाइम में 5 राउंड होते हैं, इंटर्नशिप में 3 ही राउंड हो, इसने इंट्रोड्यूस कराए, अपने आपको इंट्रोड्यूस करो, तो दैट इज इंपॉर्टेंट, अपने आपको इंट्रोड्यूस शुरू में करना ही होता है इंटरव्यू में, है ना। फिर उसने बोला एलियन डिक्शनरी का क्वेश्चन है, आई थिंक ये अगेन ग्राफ का क्वेश्चन है, टोपोलॉजिकल सॉर्ट वगैरह करके, सो हमें ग्राफ अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं हम ऑफ कैंपस इंटर्नशिप, ठीक है, ऑफ कैंपस इंटर्नशिप इज ग्रेट थिंग। इसने कहां अप्लाई करा, इसने कंपनी के वेबसाइट पर अप्लाई करा, तो Naukri.com तो है ही, फिर एक कंपनी वेबसाइट पे भी हमें कर लेना चाहिए, बिकॉज इसको कैसे कॉल आई, कंपनी वेबसाइट से आई, ठीक है, दैट इज इंटरेस्टिंग। इसने रिज्यूमे टिप ने क्या बोला, यू शुड नो व्हाट एवर यू हैव मेंशन्ड इन योर रिज्यूमे, डोंट ब्रैग इन योर रिज्यूमे एवर, है ना, जो भी जिसमें कॉन्फिडेंट हो वो करो, पुट योर प्रोजेक्ट्स एंड लैंग्वेजेस, है ना, तो प्रोजेक्ट्स तो करो ही प्लस लैंग्वेजेस भी हम लिख सकते हैं रिज्यूमे में। फिर से राउंड वन में अगेन इसमें 28 MCQs आए, वही रहा होगा, डीबगिंग के क्वेश्चंस, रीजनिंग एबिलिटी के क्वेश्चंस, और दो कोडिंग क्वेश्चन आए,
काउंट इन्वर्जन आई थिंक काफी इंटरेस्टिंग है, मर्ज सॉर्ट टाइप की टेक्निक लगती है इसमें, काउंट इन्वर्जन का क्वेश्चन आया। मैक्सिमम जीसीडी ने एरे, ये बहुत हम मिस कर देते हैं, तो जीसीडी का क्वेश्चन हमें कर लेने चाहिए। ये थोड़ा सा नंबर थ्योरी का पार्ट है, बट जीसीडी बहुत बेसिक पार्ट होता है उसका, हमें जीसीडी अच्छे से यूक्लिडियन एल्गोरिथम लगा के आना चाहिए, तो इसको हमें पढ़ लेना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। फिर इसने कुछ एरे का क्वेश्चन आया, एरे की क्वेरीज पे मेजॉरिटी एलिमेंट तो बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ना। अगर हम देखें मोड ऑफ इंटरव्यू कहाँ हो रहा था, अमेजॉन चाइम के वीडियो पे, उनका एक सॉफ्टवेयर है उस पे हो रहा था, लाइव कोड था वो सॉफ्टवेयर यूज करा जिसपे हम कोड लिख रहे थे, बट वो कंपाइलर नहीं था, मतलब कोड टेस्ट नहीं करते बट कोड लिख सकते हो, तो लाइव कोड पे यूज कर रहे थे ये लोग। सब एरे विद इक्वल ऑकरेंसेज, इसने इसके अंदर अगेन कुछ हैश टेबल वगैरह हैश मैप का यूज करके करा, और अगेन तुम देखो तो राउंड तीन ही राउंड हुए ऑफ कैंपस में भी, तो इंटर्नशिप में तीन ही राउंड हो रहे हैं। सॉर्टेड लिंक्ड लिस्ट टू बैलेंस बीएसटी, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, और लिंक्ड लिस्ट से बीएसटी करा, इंप्लीमेंट स्टैक विद द लिंक्ड लिस्ट, तो स्टैक के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो आई थिंक स्टैक के डेटा स्ट्रक्चर को भी हमें अच्छे से कर लेना चाहिए, ठीक है। दैट इज समथिंग वी हैव गॉट आउट ऑफ दिस। इन प्रॉब्लम्स को तुम अटेंड भी, मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिस कर सकते हो, ट्राई प्रॉब्लम पे जाके प्रैक्टिस कर लो, है ना। सॉर्टेड लिंक्ड लिस्ट टू बैलेंस बीएसटी करना है कर लो, इंप्लीमेंट स्टैक विद लिंक्ड लिस्ट करना है, तो इन प्रॉब्लम्स को हम अटेंड भी कर सकते हैं, बट हमें ओवरऑल हमें टॉपिक्स पता लग रहे हैं और हमें इंपॉर्टेंट टिप्स पता लग रही है। अब ये है SD2 का एक्सपीरियंस, है ना, इसको कैसे मिला, इसको लिंक्डइन के थ्रू मिला। सो अगेन लिंक्डइन एक इंपॉर्टेंट टूल है, उसको हम यूज कर सकते हैं। ये 3+ years ऑफ एक्सपीरियंस का है। रिज्यूमे शुड नॉट बी मोर देन वन पेज, हैव कीवर्ड्स ऑन रिज्यूमे दैट मैच जॉब डिस्क्रिप्शन। तो अगर अमेजन सॉफ्टवेयर इंजीनियर पूछे तो थोड़ा DSN एल्गो लिखो रिज्यूमे पे, तो वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके राउंड वन में क्या हुआ, 3 questions were asked, 2 tree के क्वेश्चन थे और 1 stack का क्वेश्चन था, बाइनरी ट्री, बीएसटी का चेक करना, चेक इफ स्ट्रिंग हैज वैलिड पैरेंथेसिस, आई थिंक बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, अगर तुमने डेटा स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करी है तो इन क्वेश्चन को तो कराई होगा। अगेन अगले राउंड में 2 coding question आए, रीअरेंज लिंक्ड लिस्ट विद चाइल्ड एंड नेक्स्ट पॉइंटर्स, ठीक है, रेन वाटर ट्रैपिंग प्रॉब्लम, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अब इसका नेक्स्ट राउंड हुआ सिस्टम डिजाइन पे, तो आई थिंक SD2 के लिए सिस्टम डिजाइन इंपॉर्टेंट हो जाता है, सिस्टम डिजाइन इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर SD2, ठीक है। शायद SD1 से ना पूछा जाए, बट SD2 के लिए सिस्टम डिजाइन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे स्विगी और जोमेटो टाइप का सिस्टम बनवाने को बोला गया। फिर राउंड 4 में क्या हुआ, कैसा इन्वायरमेंट चल रहा है, हायरिंग मैनेजर के साथ राउंड था, उससे पास प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा गए कि जनरल कि जॉब स्विच क्यों करना चाह रहे हो, लीडरशिप प्रिंसिपल क्वेश्चन इससे भी पूछा गए कि कभी डिसएग्रीमेंट हो गए मैनेजर से तो कैसे हैंडल करोगे, तो थोड़ा सा अगर सीनियर प्रोफाइल है तो ऐसी चीजों पर डिस्कशन होता है, ठीक है। राउंड 5 में अगेन थोड़ा सिस्टम डिजाइन पे ग्रिल डाउन, ATM सिस्टम बनाने को बोला। सो अगेन सो सिस्टम डिजाइन तो पूछा गया, उतना ही डेटा स्ट्रक्चर पूछा गया, तो फॉर एन SD2 रोल डेटा स्ट्रक्चर भी पूछा जाएगा और सिस्टम डिजाइन भी पूछा जाएगा। और राउंड 6 में तो अगेन डिस्कशन अबाउट द ऑफर एंड द लोकेशन, ये HR राउंड था, HR ने करा होगा, बट ओवरऑल अगर हम बात करें SD2 के लिए सिस्टम डिजाइन एंड डेटा स्ट्रक्चर कैरी इक्वल वेटेज। सो हमें पूरा पता लग गया, अगर हम बात करें तो मोटा मोटा यही है कि OS करना है, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स अच्छे से करने हैं, हमें डेटा स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छे से करने हैं, ऑब्वियसली डीबगिंग क्वेश्चंस की थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, रीजनिंग एबिलिटी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है फर्स्ट राउंड को निकालने के लिए। अगर हम इन चीजों को अच्छे से कर लेंगे सो वी विल बी रेडी टू क्रैक अ कंपनी लाइक Amazon। हमें पता लग गया रिज्यूमे पे क्या लिखना है, हमें पता लग गया किन टॉपिक्स को अच्छे से करना है। नाउ आई थिंक अगर हम इसको फॉलो कर लें सो नॉट ओनली फॉर Amazon, हम डिफरेंट कंपनीज के लिए भी रेडी हो जाएंगे, बट दिस इज समथिंग जो हम अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। सो होपफुली दिस वीडियो हेल्प यू अ लॉट, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, सबकी हेल्प हो जाएगी एंड होपफुली यू विल बी एबल टू क्रैक अ कंपनी लाइक Amazon। ओके चलो, गुड लक।